बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं मीडिया के दोस्तों की वसातत से अपने आईएलएफ पाकिस्तान, आईएलएफ इस्लामाबाद, आईएलएफ पिंडी और आईएलएफ केपी के खसूसी तौर पे और आईएलएफ के पंजाब, मैं ये सिर्फ इतना अर्ज़ करूं कि एक शॉर्ट कॉल पे कल इमरान खान साहब ने जब हमें कहा कि वकला जो हैं वो बाहर निकलेंगे इस आइन को बचाने के लिए, इस फेडरल कोर्ट जो तरमीम के तहत बनाना चाहते हैं इसके ख़िलाफ़ वकला बाहर निकलेंगे, और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि ये हमारे मुल्क में गैंग ऑफ थ्री जो हैं जो एक्सटेंशन सीक करना चाहते हैं उसके ऊपर हम हर हालत में एहतजाज करेंगे। आज पूरे पाकिस्तान से, बल्कि सिर्फ मैं समझता हूँ कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर आज वकला की ये जमे गफीर यहाँ पे मौजूद है। ये काले कोट की और पाकिस्तान के वकला की बका की जंग है, और हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एफिलिएशन पूरे पाकिस्तान के वकला को दावत देते हैं कि आए अपनी नस्ल को बचा लें, आए इस काले कोट को बचा लें, आए इस मुल्क को बचा लें। हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम आइन बचाने निकले हैं, और ये किस लिए? तीन वजूहात हैं। सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल इंसाफ का निज़ाम बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आम शहरियों को रखने के लिए इन्होंने आइन में तरमीम कर ली है जो कि छुपा के रखी है इन्होंने। इसी तरह से ये नून लीग की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लोग इन लोगों के साथ मिल के आइन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने इस फोरम में कहते हैं कि ना तो इन तीन के गैंग को हम एक्सटेंशन लेने देंगे और ना ही हम इस मुल्क की तबाही होने देंगे।